जो भी आप मीडिया के साथी यहां आए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, इसके विशेष रूप से दो मुद्दे हैं। एक तो अभी आपने देखा, संविधान में 124वां संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सवर्ण समाज के गरीबों को जो 10% आरक्षण दिया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इससे भी ज्यादा हमें दुखद इस बात का है कि जो बहुजन समाज के, विशेषकर दलित समाज के, एससी एसटी वर्ग के जितने भी सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने जो इसका, ये जो गैर संवैधानिक काम हुआ है, इसका जो उन्होंने समर्थन किया है, हमें उस पर कड़ी आपत्ति है। एक और छोटा सा विषय है कि जो नागरिकता कानून बनाया गया है, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से उसको लागू किया गया और हालात इस समय नॉर्थ ईस्ट में जो गंभीर हैं, उस पर हमारे आदरणीय श्री हिजेम राजेंद्र सिंघा जी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आपको इस विषय में बताएंगे। और मेरे साथ में, आपने देखा है कि मेरे साथ डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और श्री शिवराज सिंह जी, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो जो मेन मुद्दा है, ये 10% आरक्षण, हम इसका विरोध करते हैं। इसके विरोध के कारण, नंबर एक, संविधान में कहीं भी आरक्षण के लिए आर्थिक आधार नहीं है। संविधान सभा में जब अनुच्छेद 15 और 16 पर बहुत व्यापक रूप से चर्चा हुई, बहुत से सवाल आए, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन सभी सवालों के जवाब दिया और जितने भी संशोधन थे उनको खारिज किया, और संवैधानिक प्रक्रिया जिस तरह से हो उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण की उन्होंने बात की, आर्थिक आधार को पूरी तरह से उन्होंने खारिज किया। लेकिन भाजपा सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रही है। इसमें दो चीजें हैं। आज ये सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे रही है, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 50.5% आरक्षण ऑलरेडी इस देश में सवर्ण समाज के लिए पक्का किया हुआ है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें मोहर भी लगा रखी है, यह कहकर कि देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, यानी कि 15% आबादी को आपने 50.5% आरक्षण पहले ही दे रखा है, पक्का कर रखा है। तो 10% आरक्षण का क्या मतलब है? और दूसरा, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज इन्होंने आर्थिक आधार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, खिलवाड़ किया है, उसमें यह आर्थिक आधार को लागू करने जा रहे हैं, राज्यसभा तक से वो पास हो चुका है। तो कल इसका सहारा लेकर जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड समाज को, ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण पर ये फिर कुठाराघात करेंगे। फिर इन्हें एक हाथ रखने के लिए आज एक मौका मिला है, कल फिर उस पर बात करेंगे कि इसको सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो एक तरह से ये पिछले दरवाजे से संविधान में संशोधन करके जो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण है, उस पर कुठाराघात करने की बहुत बड़ी साजिश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक विरोध हमारा और भी है कि बहुजन समाज के, या विशेष रूप से कहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के, यहां तक कि ओबीसी समाज के भी जितने भी नेता संसद में बैठे हैं, सांसद संसद में बैठे हैं, उन सभी ने इसका समर्थन किया, इस आरक्षण का, जबकि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए था। केवल दो लोगों को अगर मैं कहूं, उसैदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी के सांसद जिन्होंने राज्यसभा में किया, मनोज झा, इन दो को छोड़ के बाकी इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। इसका मतलब यह है कि आप संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है और आप तमाशा देख रहे हैं। आपको यह भी नहीं पता
कि ये कल इसका सहारा लेकर आपकी पीठ में किस तरह से कुठाराघात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी आपत्ति मुझे इस बात पर है कि अगस्त 2018 में इस बहुजन समाज की जो नेता मानी जाती हैं, माननीय बहन जी मायावती जी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहल उन्होंने इस बात में की। उनका एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्लिप है, बाकायदा उन्होंने कहा, जिसको आप समता आवाज टीवी के 29 अगस्त का जो उन्होंने उस पर प्रसारण किया है उस पर जाके देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है माननीय बहन जी ने कि अपर कास्ट के गरीब लोगों को अगर सरकार संविधान में संशोधन करके 18% या उससे अधिक आरक्षण देना चाहती है तो हमारी पार्टी इसका सबसे पहले स्वागत करेगी। भाई अगर इसकी बात है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण अगर संविधान में संशोधित कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले ओबीसी का जो आरक्षण है, जो उसकी आबादी के अनुपात में उसे मिलना चाहिए, उसकी आबादी 55% से ज्यादा है, उन्हें मात्र 27% आरक्षण मिला हुआ है, तो पहले आप संविधान में संशोधन इस बात के लिए कीजिए कि उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में पूरा आरक्षण मिले, यानी 55% से ज्यादा आरक्षण उन्हें मिले। दूसरा, जो बहुजन समाज के, जो दलित समाज के, SC ST समाज के जो गरीब लोग हैं और उन्हें जो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है 22.5%, वो आज तक पूरा नहीं है, तो ईमानदारी अगर आपकी है तो पहले उसे पूरा करें। आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ओबीसी का हिस्सा जो है उसका हक जो है आप उसे नहीं दे रहे, और सवर्ण समाज के लिए आप ये 10% आरक्षण कर रहे हैं, तो आप बहुजन समाज की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और पर्दे के पीछे से आप उनका आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। दूसरा एक चीज और है कि जब नौकरियां ही नहीं हैं, देखिए बड़े दुखद बात है कि जिस दिन आरक्षण की चर्चा लोकसभा में हो रही है उससे पहले ही दिन फ्रंट पेज पर न्यूज है, उस न्यूज में है कि 2018 में 1,10,00,000 नौकरियां खत्म हो गई। तो जब नौकरियां ही नहीं हैं और वैसे भी 24,00,000 केंद्र सरकार में और बाकी जो है राज्य सरकार में मिला के तकरीबन 1,00,00,000 खाली पद पड़े हैं, पहले तो आप उन्हें भरें, उन्हें नहीं भर रहे हैं और आप ये आरक्षण कर रहे हैं, तो आप समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सीधा सीधा समाज को धोखा देना, गुमराह करना, और सही मायने में जो असल मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से असफल रही है, वो चाहे 2 करोड़ नौकरियां का हो, चाहे 15,00,000 खाते में आने का हो, चाहे वो FDI का हो, चाहे जो मेक इन इंडिया का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, और नोटबंदी के बाद जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क हुआ, 2% GDP जो है डाउन हुई और लगभग 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उस सब से ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि चुनाव सर पे है, ये मुद्दे सवाल पूछेंगे लोग बाग, उनसे ध्यान बटाने के लिए ये एक शगुफा छोड़ा गया है, ये जुमला छोड़ा गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब आप साथी इस विषय पर जो भी सवाल पूछना चाहें, प्रेस के साथी हम उनका स्वागत करेंगे। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के अंदर जो है गुजरों ने आंदोलन किया, जाटों ने आंदोलन किया, और इसके अलावा जो है राजस्थान के बहुत सारे मिनाओं ने आंदोलन किया, और वो लोग जेलों में भी बंद हैं और मारे भी गए, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया इस सरकार ने, ऐसा क्यों? देखिए मैं बहुत सीधा सीधा कहूंगा इस बात को, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बात को समझें आप, कौन है गुजर? बैकवर्ड। मीना कौन है? बैकवर्ड। जाट कौन है? वो भी बैकवर्ड में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाट किसी हालत में सवर्ण में तो नहीं आते। तो मतलब सीधा सीधा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज की पार्टी है, वो ओबीसी SC ST की पार्टी नहीं है, उनके लिए वो कुछ नहीं करेगी, और अपने लिए चाहे संविधान के साथ कितनी भी खिलवाड़ करनी पड़े वो करेगी। तो सीधा सीधा ये है। अब सोचना जो गुजर समाज के लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं या जाट समाज के लोग हैं, उन्हें ये सोचना है कि क्या उन्हें धोखेबाज जो पार्टी है उसके साथ में जाना है, ये 2019 में उन्हें सबक सिखाना है, ये उन्हें सोचना है। क्या सर ये आरक्षण से दलित समाज पे या बहुजन समाज पे क्या असर पड़ेगा? नहीं देखिए हाल फिलहाल अगर बात कहें तो कोई असर अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि बीजेपी की मंशा हमेशा उसकी नियत
खराब रही है, उसकी नियत बहुजन समाज या एससी एसटी समाज के विरोध में रही है, वो कई बार सामने से नहीं होकर पीछे से वार करती है। तो आखिर में इसका जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि एक बार संविधान में संशोधन होकर आर्थिक आधार लागू होने के बाद फिर वो ये जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो रिजर्वेशन है, फिर ये कहेंगे कि भाई सब हल्ला मचेगा कि इसको भी आर्थिक आधार पर किया जाए। तो अल्टीमेटली पर्दे के पीछे से या बैक डोर से उस समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के जो आरक्षण है उस पर कुठाराघात करने की ये कुटिल राजनीति है। सर, इतना विरोध होने के बावजूद भी और जो बीजेपी के जो आकाएं, बीजेपी के जो लीडर है वो कहते हैं कि अब जो सीट आई है उससे ज्यादा सीटें आएंगी, इतना विरोध होने के बावजूद। ये उनकी हताशा है, ये उनकी हताशा है। पांच राज्यों में उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। क्या ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को, ये दिख नहीं रहा लोगों को? लेकिन वो करें क्या, अगर ये ना कहें तो और क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से वो भी जानते हैं कि हकीकत ये है, इस देश का आम आदमी उनके पूरी तरह से खिलाफ है। किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, आंगनवाड़ी वाले हो, हर कोई उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है समाज को। जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, पूरी तरह से फेल रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हताशा को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये आरक्षण देने के बाद जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, आरक्षण देने के बाद में जातिवाद खत्म होने का मतलब नहीं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म करने की बात करें, तो पहले जाति को खत्म कीजिए। आप जाति खत्म नहीं कर रहे आप, क्योंकि जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा। आरक्षण से जातियां खत्म होने का कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप में जो ये आरक्षण 10% दिया जा रहा है और राष्ट्रपति को मंदिर में उठने बैठने भी नहीं दिया जाता, क्या ये सही रहेगा आरक्षण देना? नहीं, तो इस बात पे फिर राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए कि अगर इस देश के राष्ट्रपति को, प्रथम नागरिक को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता या सीढ़ियों से ही पूजा करा के भगा दिया जाता है, तो इस राष्ट्रपति को सोच रहे हैं कि क्या साइन किए जाए। राष्ट्रपति जी जो है वो आर्थिक रूप से तो ऊपर है ना? नहीं, मैं आर्थिक रूप से तो इस देश में बहुत लोग ऊपर हैं, पर क्या सामाजिक रूप से उन लोगों को वो सम्मान मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है। इस देश में आर्थिक रूप से बहुजन समाज में से बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूत हैं, पर उन्हें सामाजिक स्तर पर क्या वो सम्मान मिल रहा है? नहीं। उनके सामने कोई बात होती है और जैसे उनकी पीठ मूर्ति है तो फिर उन्हें वही कहा जा, अरे ये कोटे वाला है, ये वही कोटे वाला है। तो वो जाति जो है चुपकी हुई है, जाति को चुपका के रखा हुआ है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो राष्ट्रपति जी वाली, या और ऐसे कितने लोग हैं, कहां उनको सम्मान मिल रहा है? सर, जनगणना के आधार पर जो है सवर्ण समाज है वो 10% टोटल आता है और 10% इन्होंने आरक्षण दे दिया है, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है कि 10% की बात जो कर रहे हैं इसका ईमानदारी से पता तब लगेगा। ये सरकार अगर ईमानदार होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है और गुमराह करने वाली सरकार है। अब से लगभग 3 साल पहले जातीय जनगणना पर आधारित आंकड़े सरकार के पास हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें न तो पार्लियामेंट के सामने रखा और न ही प्रकाशित किया। क्या डर है सरकार को, क्या दिक्कत है सरकार को? क्या ये सरकार उसे क्योंकि कम से कम सरकार ने तो पढ़ा ही होगा, तो उसे पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गया है कि बहुजन समाज की या एससी एसटी ओबीसी समाज की संख्या बहुत बढ़ गई है और उससे वो घबराए हुए हैं, उनकी संख्या कम हो गई है उससे वो घबराए हुए हैं, इसलिए उसे प्रकाशित नहीं करना चाहते। और 10% आरक्षण की बात, हम तो ये बात कह रहे हैं कि हमारे बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई हर व्यक्ति को, हर समाज को उसकी जाति के अनुपात में आप आरक्षण दे दिए, बात खत्म, कहीं किसी की दिक्कत नहीं रहेगी। वकील साहब, ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि 2019 के इलेक्शन नजदीक है तो उससे पहले ही आरक्षण का पेश क्यों? नहीं, उससे पहले आरक्षण का ये है कि ये समाज को गुमराह करने वाली है और समाज को लॉलीपॉप देने वाली है। मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर, हर फ्रंट पर फेल रही है, इसलिए उसने सब दिया है। सरकार भी जानती है कि वो इसको किसी हालत में लागू नहीं कर सकती। अगर आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जिस समय बहस हो रही है उसी दिन शाम को न्यूज आई कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ
रिट फाइल हो चुकी है, याचिका फाइल हो चुकी है, और जिसमें उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो गैर संवैधानिक है, ऐसा हो नहीं सकता और इसको खत्म किया जाए। तो रिट पड़ चुकी है ऑलरेडी, जो क्राइटेरिया तय किया है और जिस क्राइटेरिया के तहत ये 10% आरक्षण दिया गया है, क्या लगता है आपको कि अगर खुद जो सरकार है बीजेपी सरकार वो इस पर फंसेगी आगे, खुद बैकफुट पर आ जाएगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो उसमें कितना डिफरेंस है, अगर SC ST OBC का आरक्षण देखा जाए और 10% जो अब दिया है सवर्णों का। देखिए, जहां तक मुझे लगता है सरकार ने कदम उठाया है, सरकार पीछे नहीं हटेगी, लेकिन उसके पास जैसा पहले भी होता रहा है कि जो काम सरकार को नहीं करने होते हैं, जिसमें सरकार फेल हो सकती है, उसका ठप्पा वो कोर्ट पर डाल देती है, तो उसे भी मालूम है कि इसमें वो पूरी तरह से फेल होगी, इसलिए सरकार क्या करेगी, चुप रहेगी, जो होना है वो होने दे, और आखिर में लोगों से कह देगी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो तुम्हें देने का प्रयास किया लेकिन कोर्ट ने ये सारा का सारा आपका खत्म कर दिया। तो सरकार ये सारा ब्लेम, सारा आरोप कोर्ट के मथे मड़ेगी, उसे मालूम है ये हो नहीं सकता, ये सारा का सारा सरकार का षड्यंत्र है। सर, आखिर में चलते चलते राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का इस विषय को लेके क्या तैयारी है, क्या आंदोलन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हम लोगों को जागृत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर मंच पर इस बात को हम उठा रहे हैं कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये समाज के साथ में धोखा है, और बहुजन समाज को विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC इसको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं कि उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जिस बीजेपी के साथ आप लगे रहे या आपके नेताओं ने गुमराह करके आपको उसके साथ में चिपकाया रहा, उस बीजेपी ने आपका आरक्षण नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था, उसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया, लेकिन ये सवर्ण समाज के लिए उन्होंने संविधान संशोधन किया है। वकील साहब, देश में जो किसान है वो त्राही त्राही मचा रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार को पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए था सवर्ण समाज से ज्यादा, क्योंकि सवर्ण जो है वो किसान अंदाता नहीं है, ज्यादातर जो किसान है वो ओबीसी समाज से निकल कर आता है, तो ऐसे में किसान के बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैंने तो आपको बताया कि ओबीसी के विषय में क्यों सोचेगी, किसान के विषय में क्यों सोचेगी, अगर किसान के विषय में ये सरकार सोचती तो निश्चित रूप से सरकार किसानों के लिए काम करती। लगभग 3,42,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने जो अमीर हैं उनका माफ किया है, 3,42,000 करोड़ रुपया पिछले इस उसमें टेन्योर में अपने में 4.5 साल 4 साल 8 महीने के अंदर 3,42,000 करोड़ के लगभग उनका माफ किया है, और जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की वजह से बैंकों का भट्टा बैठा, उन बैंकों के लिए भी 2,35,000 करोड़ की सरकार ने मदद की है। तो सरकार की नजर में वो उद्योगपति, क्योंकि उन उद्योगपतियों से उसे पैसा मिलता है इलेक्शन लड़ने के लिए, अपनी जो है इच्छा है उनको पूरा करने के लिए सरकार को उनसे पैसा मिलता है, किसानों से पैसा नहीं मिलता ना, इसलिए किसानों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। किसान मरे मर जाए, आप देख रहे हैं लगातार किसान मर रहा है, कहीं एक भी तो नहीं है ऐसा कोई भी दिन जाता हो जिस समय यह खबर नहीं आती होगी वहां किसान ने जो आत्महत्या की और वहां यह हुआ। तो किसान की, मजदूर की, गरीब की उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें केवल और केवल अपने उस सवर्ण समाज की चिंता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी वोट वो लेना चाहते हैं। लेकिन सवर्ण समाज को भी यह समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे साथ भी बहुत कस के उन्होंने धोखा किया है, जब ऑलरेडी 50.5% तुम्हारे पास है, 10% का मतलब क्या है जब नौकरियां नहीं है। चलिए ठीक है, ये जो 8 लाख का जो इन्होंने वो रखा है क्राइटेरिया कि 8 लाख तक का जो है जो भी इसके 8 लाख की इनकम, जी 8 लाख की जो है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए, 8 लाख में तो 90% बिल्कुल सही है। देखिये, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये धोखा है, ये मैं बार बार मानता कहता हूं कि अगर ये 8 लाख की जो सीमा वो रख रहे हैं, दो क्राइटेरिया उन्होंने मुख्य रूप से रखे हैं, जो 8 लाख तक की जिनकी इनकम है और जिनके पास 5 एकड़ जमीन है वो इस समय आते हैं, 5 एकड़ जमीन तक जो लोग हैं जिनके पास जमीन वो इस समय आते हैं, तो अगर ये आते हैं तो इसमें तो लगभग 90% सवर्ण समाज इसमें शामिल हो गया, उस 90% के लिए। और आप अगर 8 लाख वाला व्यक्ति जो है, तकरीबन जो जिसकी 8 लाख की इनकम है वो 1.25 लाख रुपया तो इनकम टैक्स ही देता है, आप उसे गरीब कहेंगे? ये तब तो माना जाता कि उस गरीब समाज के लिए ये क्राइटेरिया रखते कि जिसकी लगभग 1 लाख या उससे कम या 1.25 लाख या उससे कम
इनकम है और या जिसके पास में एक एकड़ जमीन है या उससे कम है उसको हम गरीब मानेंगे, तब तो समझ में आता था कि ये गरीबों की बात कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।